पाकिस्तान हिंदुस्तान दां काह कंदड़ खतरनाक सामुंडी तूफान बाइपर जो आए बिन्हीं मुल्कन के सामुंडी इलाकन शहरन में गुजरल कुछ डीहन का खौफ की अलामत बनल है। इन तूफान की रफ्तार ई हदफ बाबत मुख्तलिफ अगकथियों वक्त ब वक्त मीडिया में अची रही हैं। कुछ माहिरन की रिपोर्ट है तो इन तूफान जो जोर टुटी रो है पर पोए भी ही तूफान पान सा गड़ शदीद बरसात जरूर खड़ी इंदो जेका पिण तबाही मचाए सके थी। दुनिया में वड़ा वड़ा तूफान इंदा रहन था न फकत एशिया पर जदीद मुल्कन में भी तूफान तबाही मचाइंदा रहा है। अमेरिका तो अक्सर खौफनाक तूफान के निशाने ते रहो है। बाइपर जो है भी एक खौफनाक तूफान बनजी उभरियो है। दरअसल इन सामुद्री तूफान से ही नालो बांग्लादेश तरफा रखो वो है जैसी बंगाली बोली में माना है तबाही या आफत। 2020 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर मुल्क तरफा हिंदी समुंड में उथी बंगाल नार से दंग कड़ अड़न तूफान के नाला दियन जो सिलसिलो शुरू किया वो। बाइपर जो है 2023 भी अड़न ही तूफान जो एक सिलसिलो है। इन तूफान की रफ्तार 165 का 195 किलोमीटर फी कलाक है। ये तूफान जै इलाके के पंजे निशाने ते आने तो उनमें वही तबाही जो खतरो पैदा थी वे तो। ये तूफान 4 जून से हिंदी समुंड में उथियो हो जो पंजा रुख मटाई हाँ हिंदुस्तान के गुजरात पाकिस्तान अंदर सिंध के सामुद्री बतिए तरफ रवाना है। सिंध अंदर कराची बदीन छट्टो सिजावल इन तूफान के निशाने से बुधाए पाया वन जैसे हैदराबाद चंडो अलहार शहीद बेनजीर आबाद से पिण इन तूफान के असर पवंदा। गुजरात में हजारे मानून के महफूज हंधन दा मुंतकिल किया वो है जैसे सिंध अंदर पिण हंगामी हालतू लागू करे कराची में समुद्र के वेझे वाली इमारतों खाली कराई वो है। छठे में केटी बंदर खारो छाण समेत निशाने से आयल समूरन इलाकन के भी पैरों भेरो वक्त सर मुकम्मिल तौर खाली कराए अवाम के महफूज हंधन दा मुंतकिल किया वो है जी नुकसान के घटाए सकें। पंद्रह जून का 17 जून जहा डी अहम बनल है। बाइपर जुआ से गड वही बरसात की पिण अगकथी कई पी वे कहानी हाँ सिर्फ कलाकन की वही बाकी बची है। दिस देर ही तूफान किथे दंग करे थो।